हूँ कि कॉपीराइट स्ट्राइक, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मुझ पे कॉपी स्ट्राइक जो है आया है, हाउ टू डाउनलोड पद्मावती मूवीज इन HD। ये देखिए मेरा कॉपी स्ट्राइक है इस वीडियो पे। ऐसे इस वीडियो में मैं कुछ भी नहीं बताया हूँ कैसे मैं डाउनलोड करूँ, मैं अपना जो फीलिंग्स था उसको मैं शेयर किया था, क्योंकि मैं बहुत जगह पे ये ऐसा देखा, मैं उसे डाउनलोड करने की कोशिश किया लेकिन मैं डाउनलोड नहीं कर पाया, तो उस फीलिंग को मैं शेयर किया था। और ये देख सकते हैं मेरे उतने सब्सक्राइबर भी नहीं है, अभी 1 सब्सक्राइबर है और व्यू भी ज़्यादा नहीं है। तो ये वीडियो भी मैं दिखा देता हूँ कि इस वीडियो में मैं क्या किया था जिसकी वजह से ये कॉपी स्ट्राइक इस पर आया है। तो देखिए इसको मैं इस पर सेव करके रखा हूँ, मैं इसको प्ले करता हूँ आपके सामने। प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये दिया गया है कॉपी स्ट्राइक। सो मैं यहाँ पे रिट्रैक्ट टू क्लेम ऑफ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, तो यहाँ पे मैं आर्टिकल को ऐसा पढ़ रहा था इसलिए ओपन है। तो देख सकते हैं ये कॉपीराइट आया है और मैं 5 सेकेंड का म्यूजिक यूज किया था, बस टाइटल में अलग डाला था, शायद टाइटल की वजह से भी हो सकता है, म्यूजिक के लिए भी हो सकता है। मुझे लगता है कि 30 सेकेंड जो हम ऐसा सुनने में आता है कि 30 सेकेंड का कोई भी बॉलीवुड मूवीज़ या फिर कोई भी मूवीज़ है, मीन्स मूवीज़ का जो सॉन्ग्स होते हैं, तो उस सॉन्ग्स को, उस म्यूजिक को हम 30 सेकेंड तक यूज कर सकते हैं, फेयर यूज। लेकिन ऐसा नहीं है, आप किसी के भी ओरिजिनल वीडियो को आप ऐसे यूज नहीं कर सकते, तो ये कॉपीराइट के अंदर ही आता है। तो अगर आप कॉपीराइट के नियम को अगर उल्लंघन करते हैं तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। लेकिन मैं इस वीडियो में ज़्यादा कुछ भी नहीं किया था, तो चलिए मैं आपको सुनाता हूँ कि इस वीडियो में मैं क्या किया था जिसकी वजह से कॉपी स्ट्राइक आया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस वीडियो को ओपन करते हैं। ये देख लीजिए वही वीडियो है, वीडियो तो रिमूव हो चुका है, तो यहाँ पे मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा, तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मैं इसको सेव किया हूँ, जिसको मैं डाला था, अपलोड किया था, उसको मैं ओपन करता हूँ। तो मैं फिर से प्ले करता हूँ, उस टाइम में शायद वॉइस नहीं आ रहा होगा, तो मैं फुल वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पद्मावती मूवीज़ को कहाँ से डाउनलोड करें, क्योंकि बहुत लोग विरोध की वजह से बहुत लोग दिखने नहीं गए हैं पद्मावती। तो सबसे पहले मैं आपको, क्योंकि ये जो हमारा हिंदू समाज है, क्षत्रिय समाज है, उसको बहुत सारे परेशानी है इस मूवीज़ को लेकर, क्योंकि इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया गया है, ये ऐसा सुनने में आया है। तो रही बात इसको डाउनलोड करने की, तो बहुत ही कम जगह अवेलेबल है, वो भी हॉल टब में होगा, जो कि मैं YouTube पे मैं वीडियो देखा, बहुत सारा वीडियो देखा कि हाउ टू डाउनलोड पद्मावती मूवीज। मैं डाउनलोड करने की कोशिश भी किया लेकिन बहुत सारे एड्स हो रहा है, लेकिन डाउनलोड मैं नहीं कर पाया। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जितने भी इस टाइप से फेक वीडियो आते हैं उस पर आप ना जाइए, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं सारा वीडियो को मैं देखा, उसको कोशिश किया डाउनलोड करने के लिए, लेकिन अब तक मैं डाउनलोड नहीं कर पाया हूँ। दिखाया जो वीडियो में अपलोड किया था कॉपीराइट के अंतर्गत, उसको मेरे अंदर में स्ट्राइक आया, मैं ऐसा स्ट्राइक आया कि मैं उसका उल्लंघन किया हूँ कॉपीराइट के नियमों का। तो इसको कैसे, आखिर ये हुआ क्या था इसमें, मैं तो थोड़ा सा म्यूजिक ओपन किया था, मींस म्यूजिक प्ले किया था, बस टाइटल डाल देने से जो है ऐसा तो नहीं कि मैं पब्लिक को गुमराह कर रहा हूँ। तो ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं जो है काउंटर नोटिफिकेशन में भेजता हूँ, ये बहुत सारे लीगल एक्टिविटीज़ के अंतर्गत गुजरता है, तो शायद मुझे इसके बारे में और जानकारी ले लेना चाहिए बिफोर गोइंग टू सबमिट काउंटर नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।